बरेली पुलिस चौकी के अंदर सिपाही ने खुद को गोली मार ली। अपनी ही बंदूक से सिपाही नीरज चौधरी ने खुद को गोली मार ली। एक गोली पेट में और एक गोली गर्दन में मारी। पुलिस चौकी के अंदर आत्महत्या के प्रयास से हड़कंप मच गया। चौकी प्रभारी अरविंद कुमार और सिपाही अमित शर्मा पर अनैतिक कार्यों में लिप्त होने का आरोप भी लगाया। गोली मारने से पहले व्हाट्सएप के जरिए अपने मित्रों को चौकी प्रभारी और सिपाही के बारे में लिखकर भेजा। परिजन गंभीर हालत में सिपाही को मेरठ लेकर रवाना हुए। रात 1:15 बजे की घटना बताई जा रही है। शाही थाना क्षेत्र के दुनका पुलिस चौकी का मामला है। एक हेड कांस्टेबल है 1991 बैच के ये हैं। उनके द्वारा कल रात में सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, जिसमें उन्होंने अपने आप पर गोली चलाई, जिसमें से एक गोली उनको लगी है। उनको तत्काल हमने मेडिकल सहायता उपलब्ध कराते हुए यहाँ के अस्पताल में दिखाने के बाद में मेरठ में अस्पताल में रेफर किया है। उनके परिजन भी साथ में हैं और वहाँ पर इलाज उनका चल रहा है। अभी जो मेरी बात हुई थी, वहाँ जो हमारे साथ में सब इंस्पेक्टर ऑफ फोर्स गया है, उनसे भी और घर वालों से अभी स्थिति स्टेबल है। डॉक्टर इलाज कर रहे हैं और उसमें आगे जो भी उनकी मेडिकल सहायता है वो की जा रही है। इसके संबंध में उनके द्वारा एक नोट भी लिखा था और जो अस्पताल में वहाँ उसका बयान लिया गया है, उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि चौकी के जो प्रभारी है और एक कॉन्स्टेबल, इनके द्वारा उनके साथ में बदतमीजी की जा रही थी और उसके कारण ये परेशान होकर के इन्होंने ये कदम उठाया है। इसके बारे में हमने दोनों लोगों को जिनके खिलाफ आरोप लगाया है उनको निलंबित कर दिया है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।